हेलो यूट्यूबर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आपके मोबीक्विक में आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको अनलॉक अनब्लॉक कैसे करते हैं। तो आइए चल के शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मोबीक्विक ऐप्स मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ₹433 शो हो रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इसका जो पिन है वो ब्लॉक हो गया था, तो उसके लिए मैंने जो प्रोसीजर किया है उसके अनुसार ये करीब हाफ आवर्स या वन आवर्स के आस समथिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आइए आपको बता देता हूँ प्रोसीजर क्या था। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे आ रहा है हेल्प के नीचे सिक्योरिटी सेटिंग्स, लेकिन यहाँ पे पहले था कि मतलब आपका जो अनब्लॉक है सिक्योरिटी पिन, तो उसको जैसे ही कर रहे थे तो वहाँ से भी नहीं हो रहा था। फिर हेल्प में मैंने इसके प्रोसीजर फॉलो किया। हेल्प में जाने के बाद मैंने आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। जो सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा है पास्ट इश्यूज, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हो अक्टूबर 11 है, तो सबसे ऊपर वाला ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो अक्टूबर 11 8:02 पे मैंने ये मैसेज इनके पास सेंड किया था, जिसमें था कि माई पिन ब्लॉक व्हाट आई डू नाउ, तो इनका रिप्लाई आ गया था। तो डियर यूजर ग्रेटिंग फ्रॉम मोबीक्विक, तो इनकी जो सीधा सा मतलब यही था कि ये जो इन्होंने बोला था कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आईडी प्रूफ, इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आईडी प्रूफ मांगा, जिसमें हमारी आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और पासपोर्ट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। सेकेंड इन्होंने जो मांगा था वो है जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो, तो बैंक स्टेटमेंट जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जो पहला प्रोसीजर है, इसके बाद लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और कितने टाइम बाद हुई है वो भी आप देख लीजिएगा। तो जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आईडी प्रूफ है मैंने यहाँ पे इनको जिनके पास भेजा वो मैंने आधार कार्ड भेजा है, और जो सेकंड है सेल्फ अटेस्टेड बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें मैंने जो मोबीक्विक से हमने जो ट्रांजेक्शन किया है जो हमारी हिस्ट्री है मैंने वो भेजा है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि मतलब मैंने अपना आधार कार्ड लिंक किया है, आधार कार्ड भेजा मैंने उनके पास, और जो इसके नीचे है ये जो अटैचमेंट देख रहे हैं ये है जो हिस्ट्री है उसकी। जैसे कि आप देख रहे हो ऐड मनी की गई थी 425 और ओपनिंग बैलेंस जो पहले था वो 8 रुपये था, तो मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया। और सेकंड जो मतलब ट्रांजेक्शन के लिए बोला गया था, तो ये वाला मैंने स्क्रीन शॉट उनके पास भेज दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने अक्टूबर 14 5:02 पे भेजा था, और नीचे आप देख रहे हो कि अक्टूबर 15:35 पे मतलब इनका रिप्लाई आ गया था। तो देख रहे हैं जैसे कि आप, तो इनमें जो रिप्लाई आया वो आप देख सकते हैं। डियर यूजर, दिस इज इन रेफरेंस टू योर कंसर्न सिक्योरिटी पिन, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट दिए थे वो इनको भेज दिए थे, तो इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये इसके बाद दिख रहे हैं आप थर्ड लाइन में, वी हैव डिसेबल्ड योर सिक्योरिटी पिन, जो डिसेबल्ड हो गया था उसको इनेबल इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद यू कैन नाउ यूज योर मोबीक्विक अकाउंट फॉर मेकिंग रिचार्ज, बिल पेमेंट और मर्चेंट ट्रांजैक्शन, थैंक यू फॉर बीइंग ए वैल्यूड मोबीक्विक कस्टमर। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये है मेरा सिक्योरिटी सेटिंग, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा सिक्योरिटी पिन इनेबल्ड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई।